So it's a left brain, which is logic, and right brain is creative. लेफ्ट ब्रेन आपके राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन, और राइट ब्रेन आपकी लेफ्ट बॉडी को क्रिएट करता है। द बेस्ट पार्ट इज शिव अर्ध नारेश्वर है। क्या है? आप बोलोगे ये रिलीजन बात क्यों कर रहे हैं भैया, साइंस है। शिव नाम औषधि, शिव इज ए साइंस। वो लेफ्ट और राइट उन्होंने पूरी एंडोक्राइनोलॉजी आपको सिखा दी कि हर मनुष्य के अंदर देर इज ए फीमेल कंपोनेंट एंड देर इज ए मेल कंपोनेंट। और अगर ये चीज हम शिव को सीख जाएंगे तो समाज की सारी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। मेल डोमिनेंस, ये औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती। हर व्यक्ति के अंदर स्त्री है, हर व्यक्ति के अंदर पुरुष है। अटपटी बात कही मैंने लेकिन सच्ची है। अर्ध नारेश्वर, जब शिव अर्ध नारेश्वर, वाम भाग शक्ति और साम भाग शिवा, यानी कि जो आपका लेफ्ट बॉडी है ये फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, जो आपकी राइट बॉडी है वो मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर मेल एंड फीमेल दोनों। कहीं लड़कियां बोले देखा तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर भी है। जो पुरुष है उसके अंदर जो हार्मोनल सिक्रीशन है, द मेल हार्मोन्स, वो ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, जो फीमेल हार्मोन है वो कम सिक्रीट हो रहे हैं। जो फीमेल है, जो स्त्री है, उसमें फीमेल हार्मोन इज प्रीडोमिनेंट, मेल हार्मोन कम है। अब मजे की बात, लेफ्ट ब्रेन किस बॉडी को एक्टिवेट करता है, यानी कि किसको एक्टिवेट करता है? पुरुष को। पुरुष लॉजिक, अंधा, सिर्फ वो तर्क मानता है। और स्त्री, अब राइट ब्रेन ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्रिएटिविटी, क्रिएशन। इसलिए पुरुष क्रिएट नहीं करता बच्चे को, कौन क्रिएट करती है? स्त्री करती है। क्रिएशन नाम, ये भगवान ने जो शरीर दिया है बड़ा साइंटिफिक, तो उसको अध्यात्म की दृष्टि से भी देखो। राइट ब्रेन किस पार्ट को कंट्रोल करता है? लेफ्ट पार्ट किस चीज का है? स्त्री का, फीमेल एनर्जी दोनों में है। मैं बोलूंगा तो लोगों को थोड़ी नाराजगी होगी, ये क्या बोल रहा। अगर मैं चाइनीज में आके बोलूं यिन एंड यांग, आप बोलोगे हाँ ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका वो जो गोला आता है ना यिन एंड यांग ऐसे करके, फिर इधर वो फीमेल एंड मेल एनर्जी। और मजे की बात यह है कि अगर शरीर में मेल और फीमेल एनर्जी डिसबैलेंस हो गई, बीमारी हो जाएगी। इमोशनल डिस्टरबेंस हो जाएगी, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो उसके लिए पहले लेफ्ट और राइट ब्रेन का भी बैलेंस होना चाहिए।